एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ओल का चोखा। ये जो देसी ओल होता है ना, ये इससे निकला होता है, ये देसी ओल होता है। इसे मैं बनाऊंगी चोखा। और बिल्कुल नहीं ये खुजली होता है, ये हमेशा मतलब कि खुजली होता रहता है, मुंह में काटता है, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कैसे आप ओल का चोखा बनाएं कि वो मुँह में खुजली ना हो और टेस्टी भी लगे। देसी ओल का तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए चलते हैं, आप लोग मेरे ब्लॉग्स में बने रहे हैं, मैं बताऊंगी आप लोगों को अच्छे तरीके से। और बिल्कुल आप भी ऐसे बना के देखना, उसके बाद आप मुझे बोलना कि दीदी सच में वो अच्छा है कि ख़राब है, आप मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो पक्का आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। और देखिए मैं अपने गाँव के तरीके से कैसे बताती हूँ चोखा, ओल का चोखा, जो सिंपल टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है और बिना तेल मसाले के। तो आइए चलते हैं। ये है ओल। ओल को क्या करेंगे, पहले हम काट लेंगे। ओल को काट चुकी हूँ, अब मैं इसमें डालूंगी नमक हल्दी लगा के। एक घंटा के लिए हमें छोड़ देना है, ज़्यादा हल्दी देना है और ज़्यादा नमक। ये मैं नमक हल्दी डाल कर रखी हूँ। इसे एक घंटा छोड़ देंगे तभी ये पानी छोड़ देगा, वो पानी हमें फेंक देंगे। फिर जब उबलने देंगे फिर हम नमक हल्दी डाल के उबाल के उबलने देंगे। तो हाथ से नहीं चलाना है क्योंकि हाथ से खुजली हो जाएगा। आज हम बनाएंगे आलू और सरसों की, सरसों मतलब सरसों डाल के, ब्लैक वाला सरसों का तेल खाते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो आइए पहले मैं डालूंगी तेल। तेल डालने के बाद उसके बाद मैं डालूंगी पचफोरन, आलू टमाटर, हमें हल्का सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसे मैं थोड़ा देर के लिए फ्राई करूँगी, उसके बाद डालूँगी मसाले। मैं डाल दूँगी एक चम्मच पीसा हुआ सरसों वाले मसाले, इसमें लहसुन अदरक भी है और जीरा भी। तो पहले मैं डालूँगी हल्दी,
हल्दी, मिर्ची पाउडर, मिक्स मसाले, सब्जी मेरे हो रहे हैं, सब्जी मेरे हो रहे हैं। इधर मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ। अमरूद का पत्ता है, अब डालूंगी कुकर में, कुकर में डाल दी नमक हल्दी, अब डालूंगी अमरूद का पत्ता, थोड़ा अच्छे से काट काट के डालूंगी पत्ता नहीं, अब डाल दूंगी, अब लगा दूंगी सीटी, इसको मैं पीसूंगी मिक्सी में दरदरा। ये उबल चुके हैं, हल्दी दिखे हैं, इसे हमें क्या करना है, ब्लैक ब्लैक भाग को हमें धीरे धीरे करके छील लेना, उसके बाद में मिक्स कर उसके बाद नमक और सारे मसाले मिलाना है। मेरे पीस लूँ दरदरा, ऐसे ही पीसना है बिना पानी का, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी और डाल दूंगी हल्का सा सरसों और डाल दूंगी इसमें नींबू, सरसों तेल, नमक, मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नींबू, है कच्चू, कच्चू का चोखा ही बनाने वाली हूँ मैं, कच्चू को मैं अब सेम मसाला इसमें डालूंगी, सेम मसाला कच्चू को डाल के इसमें छिलके चोखा बनाऊंगी। मैं बनाने वाली हूँ लहसुन और मिर्ची की चटनी धमाकेदार, तो देखिए डालूंगी तेल, उसके बाद मैं डालूंगी ये लहसुन मिर्ची की चटनी, अब इसे चलाते रहना है, नमक भी डाल देना है और इसे धमाकेदार चटनी बनके रेडी हो चुके हैं, जो बहुत ही टेस्टी है। रोटी में कोई चीज़ में खा सकते हैं आप, देख सकते हैं चटनी हमारे बनके हो चुके हैं रेडी, जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। लहसुन अदरक, लहसुन मिर्ची की चटनी, जो खाएगा खाते रह जाएगा, वो भूल ही जाएगा कि क्या है ये। खाना में बनाई हूँ चावल, दाल, सरसों वाले आलू की सब्जी, कच्चू का चोखा, ये रहा मेरा
ओल का चोखा। ये रहा मेरा लहसुन मिर्ची की चटनी। तो अच्छी लगी रेसिपी। रोटी भी देंगे।